भारतीय उपमहाद्वीप में महिलाओं के इतिहास का अध्ययन एक प्रमुख विद्वानों और लोकप्रिय क्षेत्र रहा है, जिसमें कई विद्वानों की किताबें और लेख संग्रहालय प्रदर्शन और स्कूलों और विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम है। वैदिक काल में महिलाओं के जीवन के सभी पहलुओं में पुरुषों के साथ उच्च दर्जा प्राप्त था। पतंजलि और कात्यायन जैसे प्राचीन भारतीय व्याकरणविदों के कार्यों से पता चलता है कि प्रारंभिक वैदिक काल में महिलाओं को शिक्षित किया गया था। बात चाहे रानी लक्ष्मीबाई की हो या फिर भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की, भारत के इतिहास में महिलाओं का अतुलनीय योगदान रहा है। आज हम इस वीडियो में एक ऐसी ही महिला के बारे में चर्चा करेंगे जिसके बारे में काफी कम लोगों को जानकारी है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे विज्ञान में पीएचडी करने वाली पहली भारतीय महिला की, जिनका नाम है कमला सोहनी। कमला का जन्म 18 जून 1911 को मुंबई के एक बेहद शिक्षित परिवार में हुआ था। उनके पिता और चाचा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस, जो कि अब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के नाम से जाना जाता है, से केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन करने वाले पहले छात्रों में से एक थे। बचपन से ही कमला को विज्ञान में रुचि थी। जब कमला ने भी केमिस्ट्री पढ़ने की इच्छा जाहिर की तो घर वालों को अचंभित नहीं लगा। कमला ने स्कूल में अपने क्लास में टॉप करने के बाद अपने पिता और चाचा के नक्शे कदम पर चल पड़ी। साल 1933 की बात है, उन दिनों महिलाओं की शिक्षा पर खास तवज्जो नहीं दी जाती थी। फिर भी कमला ने बॉम्बे विश्वविद्यालय से बीएससी की डिग्री हासिल की। उनके मुख्य विषय थे रसायन विज्ञान, सहायक विषय भौतिक विज्ञान। ग्रेजुएशन में उन्हें अपनी शिक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त हुए। इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए उन्हें भारतीय विज्ञान संस्थान यानी कि IISc में रिसर्च फेलोशिप में दाखिले के लिए आवेदन किया, लेकिन संस्थान के प्रमुख प्रोफेसर और नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर सीवी रमन ने इस आवेदन को सिर्फ इसलिए खारिज कर दिया क्योंकि कमला एक महिला थी। बात करें प्रोफेसर सीवी रमन की तो भारत रत्न प्राप्त महान वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन ने सन 1928 में कोलकाता में 28 फरवरी के दिन एक उत्कृष्ट वैज्ञानिक खोज की थी, जो रमन प्रभाव यानी कि रमन इफेक्ट के रूप से प्रसिद्ध है। इस खोज की याद में भारत में सन 1986 से प्रतिवर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। रमन के अनुसार वह जगह महिलाओं के लिए नहीं थी। महिलाएं विज्ञान में उस संस्थान में रिसर्च कर पाने जितनी काबिल नहीं होती थी। वह अनुसंधान के काम को आगे बढ़ाने में सक्षम नहीं थी। इसका विरोध करने के लिए कमला सत्याग्रह पर बैठ गई और आखिर में डॉक्टर रमन ने कुछ शर्तों के साथ उन्हें दाखिला दे दिया। शर्तें कुछ इस प्रकार थीं: कमला को बतौर रेगुलर कैंडिडेट अनुमति नहीं दी जाएगी। कमला को अपने गाइड के निर्देशों पर देर रात काम करना होगा। कमला लैब का माहौल नहीं बिगाड़ेंगी। 22 वर्षीय कमला ने शिक्षा के लिए सारी शर्तें मान ली, पर इस वाक्य से उन्हें गहरी ठोस पहुंची थी। कमला ने 1969 में रिटायरमेंट ले ली। इसके दौरान उन्होंने कई शोध किए और 1998 में दिल्ली में उनका देहांत हो गया। कमला ने जो रास्ता तैयार किया, उस रास्ते पर चलकर आज हजारों महिलाएं वैज्ञानिक बनने के सपने को पूरा कर पाई हैं। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।